और आपके प्रोग्राम के से मैं चाहूँगी कि मर्दों को ये समझ आए शादी होती है ना शुरू में बताना शुरू कर देते हैं मेरी अम्मी के साथ तुमने अच्छी तरह रहने मेरी अम्मी का ख्याल रख दें अगर आप शादी करके लाए वो लड़की रखेगी क्यों नहीं रखेगी लेकिन ना ये एक बड़ा ऑफेंस है है जो कि दिया जाता है। शर्तें बता दी जाती हैं तुमने ये जरूर करना है तुमने ऐसे नहीं करना तुमने अपनी अम्मी के घर नहीं जाना तुमने इधर नहीं जाना तुमने ये नहीं करनाडी ये नहीं करेगी बेचारी को शुरू में आई डोटेक्टेशन थिंकल तो अब ये करना है करेगी पहला तो ये काम चाहिए कि भाई यू नो लेट्स गेट टू नो ईच अदर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं तुम्हारी फैमिली को अंडरस्टैंड करूँ तुम मेरी फैमिली को अंडरस्टैंड करो मैंने तो इस वजह से अपने घर में एक रूल रखा हुआ है कि जब भी जो है मैंने अपने बेटों को कहा हुआ है कि जब भी बहू जाएगी अपने उधर मत मैके जाएगी तो यू शुड गो विधहर और यू शुड स्पेंड ऑल द टाइम हमारे तो घरों में ये भी बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता कि मर जो है वो कहते हैं बेटा छोड़ के वापस आओ मर्द तो तुम कहाँ जा बैठ गए अपने ससुराल में

तीन awesome. दिन के लिए शादी के बाद जाकर hmm. वो रहा करते थे निकाह के बाद उस घर में तो मुझे hmm. बहुत बात अच्छी लगी थी hmm. जब हमारी टीचर ने बताया कि मर्द के लिए जरूरी है टू तो गेट टू नो लड़की तो आ जाती है ना hmm. hmm. अब देखिए hmm. कितनी छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो hmm. कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते ना हमें ना मेंटेन रखना होता ना कि वो जो है ना मैं बहुत मैं बॉस और मेरी कोई वीकनेस ना खोल जाए मैं कि इतना फ्लेक्सिबल uh, ना हो जाऊं या इतना गपशप ना लगाना शुरू कर दूँ कि मेरा जो रोब है वो टूट जाए तो ये अनफॉर्चुनेट तो चीज़ है इसमें इसमें अगर वो आ जाते मर्द भी ना शायद वो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहा होता उसको यार मैं वहाँ जाऊँगा अनकम्फर्टेबल हूँ तो अब वो ये जब वो जाएगा तो वो फिर ये सोचेगा ना कि मेरी बीवी के लिए कितना अनकम्फर्टेबल है कि वो 20, 25 साल एक घर में रही है और अब आई है नए घर में उसको अभी कम से कम मैं पांच छः साल तो एडजस्ट तो तो होने के लिए hmm. मैंने तो दूसरे दिन से उसको बता दिया कि रहना पड़ेगा हम ये नहीं कह रहे कि ये फर्ज है आप पे कि आप रहें जाके लेकिन ये जस्ट टू नो फैमिली उनकी क्या है फर्ज कर लेंगे तो फायदा हो है आप जब सास बनी पहली दफा तो आपको कोई माइंड सेट जो भी आपने मतलब पढ़ा हुआ सारा कुछ डू यू फील दैट लाइक माइंड शिफ्ट होता है एकदम से कोई फीलिंग्स टू बहू किस तरह की होती है या विद टाइम मतलब हाउ डज द एवरेज सास आउट शुड फील मैं, मैं, तो <laughs> मैं क्योंकि इतनी सासों की बातें सुनती रहती थी ना ओवरऑल और देखती हाँ रहती थी तो मुझे लगता था कि आ, सासें बहुत सी गलतियां करती हैं लेकिन मुझे सब तब कहा करते थे कि तुम सास नहीं बनी इसलिए तुम्हें वो फीलिंग्स नहीं है तो आ, मैं जब सास बनी हूँ तो आई बिकेम अ वेरी कॉन्शियस मदर इन लॉ मैंने आ, अपने आप को बताया कि मुझे अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करना है और मेरी बच घर में जो बच्ची आ रही है वो भी बहुत यंग है बहुत आ, वो अभी उसकी मेचोरिटी लेवल वो नहीं है जो मेरा है तो मुझे सिचुएशंस को ज़्यादा बेहतर तौर पे हैंडल करना है और मैंने इसी सोच के साथ हमेशा काम किया और जब भी मुझे कोई चीज़ फील हुई तो मैं हमेशा गई हूँ उस टाइम पे कि जब मैं बहू थी और मेरा क्या दिल चाहता था और मुझसे नहीं। क्या नहीं हो पाता था एंड देन आई रियलाइज कि हाँ वाकई सासों को नहीं एहसास रहता Hmm. तो hmm. सासों को थोड़ा सा ज्यादा एहसास करने की जरूरत है मैं आपसे इसलिए पूछा था कि माशाल्लाह आप आप इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं एंड यू नो जो बंदा पढ़ रहा हो कर रहा हो तो अगर उसको भी अगर एक थोड़ा बहुत चैलेंज लगे दैट मीन्स कि इफ़ यू आर अनप्रिपेयर तो फिर ये प्रॉब्लम इट्स uh, बहुत ज़्यादा तबाही फेर भी सकता है मतलब कर सकता है और इवन सेम विध लड़की भी जो आ रही है और आई थिंक इवन लड़का भी तो यहाँ पे तो आई थिंक जो एजुकेशन है वो सारे घर वालों को मिलनी चाहिए और हमें हर उस रोल पे काम करना चाहिए बिल्कुल पर्सनली मुझे लगता है कि अलहमदिल्ला हमारा जो दीन है ना उसकी सबसे जो आ, जो सबसे बड़ा प्लस है ना वो ये कि आ, हमें जो प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बार बार कहा जाता है ना और अपनी आखिरत पे फोकस रखने को कहा जाता है उससे आप ना चाहे कोई प्रॉब्लम आ भी रही है सास बहू का इशू हो गया हस्बैंड वाइफ का इशू हो गया किसी के साथ भी इशू हो जाता है सो यू कैन ओवरकम इट वेरी इज़िली अगर आप यू कनेक्ट विद अल्लाह सुबह आप बार बार अल्लाह ताली के पास जाते हैं ना यस यू स्टिल हैव टू लर्न द स्किल्स वो अपनी जगह है आपको हैंडल करना आना चाहिए अच्छा मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है लड़के को मदर और वाइफ को कैसे हैंडल करना है बहू को सास को कैसे हैंडल करना है सास ने बहू ये सारी hmm. चीज़ें होनी चाहिए बट एट द सेम टाइम वो हैंडलिंग स्किल्स सीखने से पहले जो अपने स्ट्रेस लेवल नीचे रखना और hmm. अल्लाह hmm. से जुड़ना वो बात है हमारा न एक डिस्टोटेड सीजन है हमने देखी है फिल्में पढ़े हैं नॉवल्स लव स्टोरीज हैपीली एवर आफ्टर हम उसी कॉन्सेप्ट के साथ ना शादीशुदा ज़िंदगी में जाते हैं जैसे अगर आप देखें आपने मास्टर्स किया और अब आप पी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो क्या आप बड़ी खुशी खुशी जाएंगे आपको पता है आपको थीसेज लिखना है आपको रिसर्च करनी है आपको बड़ा अपने आपको स्किलफुल बनाना है तो ये जो शादी है ना एक किस्म का पीएचडी प्रोग्राम होता है ये पूरी फैमिली को ये समझना चाहिए कि ये हम बस लड्डू खा रहे हैं खुशियां मना रहे हैं इवेंट्स कर रहे हैं कपड़े बना रहे हैं तो हम ना उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं हम स्किल्स के ऊपर नहीं काम करते इसीलिए देखिये ना इस्लाम में निकाह तो बहुत सिंपल है ताकि हम रिचुअल्स में ना पढ़े हम उन एरियाज पे इन्वेस्ट करें जहाँ से हम अपनी जिंदगी को गुजारें मोहब्बत भी मुझसे जब लड़कियां भी अगर कुछ पूछती है मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता मैं कितनी अच्छा क्या नहीं करता तो कैंडल लाइट डिनर नहीं करता मैंने कहा मैंने कहा आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी थी बट उन लोगों को वो हैप्पी रोमांटिक एक खूबसूरत मोमेंट्स क्रिएट करने आते थे उसी जगह पे रहते हुए हमारे तो ये कि खातानीन का मूड ख़राब हो जाता है

यानी हालत क्या है खाने पीने की तो मेयरली वर्ड्स कैन मेक अ रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग मैं देखिए मैं बैलेंस की बात करूंगी ना